तो यार ये चल रहा है भाई साहब। So, hey there people, how's you? कैसे हो यार आप सब लोग? I hope आप बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और अभी बजे हैं सुबह के 11 और मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। यार आज सुबह से हमारा प्लान बन रहा है नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क जाने का। अब कभी कैंसिल होता है कभी बनता है, क्योंकि आज मुझे कहीं और भी जाना है, वो मैं आपको बताऊँगा कहाँ जाना है। तो इस वजह से थोड़ा ऐसा हो रखा है कि जाएँ या ना जाएँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। यार अभी हम निकल गए हैं घर से नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क के लिए, पापा कर रहे हैं ड्राइविंग। तो अब हम एंटर हो रहे हैं चांदपोल गेट में और फिर वहां से छोटी चौपड़ होते हुए हम जाएंगे आमेर। तो ये देखो छोटी चौपड़ आ गई है और इसको क्रॉस करके फिर हम बड़ी चौपड़ की तरफ जाएंगे। अब ये बड़ी चौपड़ आने वाली है। अच्छा, बड़ी चौपड़ से लेफ्ट घूम के चांदी के टकसाल होते हुए आमेर का रास्ता पकड़ेंगे। तो ये है बड़ी चौपड़। तो ये है हवा महल। चांदी की टकसाल में स्थित काले हनुमान जी का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है यहाँ पे। This is the most famous tourist place of Jaipur, the Jal Mahal. तो यार यहाँ से पहाड़ी इलाका शुरू हो चुका है जो अब सीधा दिल्ली हाईवे जाएगा। So guys, this is Amer Fort. तो ये हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। तो ये है यहाँ की टिकट प्राइस। So we are at Biological Park. Let's begin. तो यार अभी हमें ई रिक्शा में जो हमें फर्स्ट गेट से सेकंड गेट पे उतारेगा, जो कि 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। देखो अलग अलग जानवरों के फुटप्रिंट्स बना रखे हैं यहाँ पे। जंगल सफारी, आप इसमें बैठ के भी टूर कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट एनिमल वुल्फ। दो आ गए। और ये देखिए आप दो वुल्फ देख सकते हैं। ये है जैकल्स। ये हैं बया के घोंसले। ये है हायना। और ये अंदर एंटर कर चुकी है अब। तो यार ये जो एनिमल है ये है पैंथर। ये शायद अभी सो रहे हैं तीनों, दो ऊपर हैं एक नीचे है। पीछे आप वो पत्थर देख रहे हो, उसके पीछे है वाइट टाइगर। और गिलहरी को खाना खिला के कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ। देखिए वो दो हिरन बैठे हैं। तो ये है जापानीज डियर। ये है ब्लैक बक। पीछे जो आप देख रहे हैं ये है राजस्थान का राजकीय पशु चिंकारा। भाई साहब इनको देखो यार, सारे कैसे बैठे हैं छाया में, आधी धूप आधी छाया में। साइज देखो यार कितने बड़े हैं ये सांबर है, लंबी ऊंची होती है। तो ये है चीतल। ये डियर की वही स्पीशीज है जिसके अंदर कस्तूरी मिलती है। देख रहे हैं आप जंगली सुअर, बहुत खतरनाक एनिमल है ये। तो यार देखो ये कहाँ पे बैठी हुई है।
देखिए एमू, दिस इज लाइक ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच के जैसा लगता है बिल्कुल, लेकिन अलग स्पीशीज है। ये देखो एमू को बिल्कुल पास से। देखो मगरमच्छ कैसे पड़ा है यार यहाँ पे। देखो पीछे एक और है, ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि तो डेड है बिल्कुल। अरे वो ट्राई कर रहे पर आ नहीं पा रहे। घड़ियाल तो देखो यार, फाइनली द मोस्ट अवेटेड एनिमल ऑफ द जू, द एशियाटिक लायन। यहाँ पे भी लायन भी है। अरे देखो वो उठा, क्या कर रहा है? चलो ये तो दिखा इसकी, क्या कर रहा है? टाइगर उस झाड़ी के पीछे छुप के बैठा है, वो अभी निकल नहीं रहा है यार, बाहर छाया में बैठा है। वो देख सकते हैं आप। गाइस दिस इज द लास्ट एनिमल ऑफ जू, द वाइट टाइगर। अभी ये रेस्ट कर रहा है, थोड़ा धूप सेक रहा है। एटलीस्ट दिखाई तो दे गया ना। थोड़ा मूवमेंट हुआ है उसके अंदर। तो फाइनली यार ये हिल गया। केवल फेस ही टर्न करा है इसने। यार ये जो आप देख रहे हैं ये है बंगाल टाइगर। तो यार ये चल रहा है भाई साहब। और इसकी चाल इधर घूम के इधर से आएगा ये भाई। इसको भूख भूख लग रही है क्या? इसीलिए उधर जा रहा है, केज के पास इसीलिए जा रहा है। ऊपर मचान पे, और यहाँ से पूरा जू अच्छे से दिख रहा है, बिल्कुल अच्छा व्यू आ रहा है बहुत। तो यार जू में आने के लिए आपके पास करीब 4-5 घंटे तो होने ही चाहिए, क्योंकि हमारे केस में भी हमको पहले टाइगर और लायन दिखे नहीं थे, लेकिन फिर बाद वाले राउंड में हमने वो देखे। तो अगर आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है ना, तो ही जू में आए, क्योंकि एनिमल्स हमेशा एक्टिव नहीं रहते। फिलहाल दो हिप्पोज हैं यहाँ पे, तीन है। सारे एनिमल्स दिख गए एक्सेप्ट बियर। बियर नहीं देख पाए हम, बाकी सारे एनिमल्स देख लिए हमने। बियर क्या पता यार कहाँ पे था, पिंजरे में था शायद। आखिरकार मम्मी की दिली इच्छा पूरी हो ही गई शेर देखने की। कैसा लग रहा है मम्मी आपको शेर देख? बहुत अच्छा लग रहा है। वो शेर आया था भाई, सच में यार दिल की धड़कने बढ़ गई थी, बहुत डर लगा था। अब हम जा रहे हैं पार्किंग से कार लेने के लिए, फिर चलते हैं घर। सो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बाय।